और यहां पर मौजूद राधा और हल्के के मेरे बुजुर्गों, माताएं, युवा साथियों, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि छोटे से नोटिस पर आप सबने आए करके थोड़ी का काम किया और ये जो प्यार है, जोश है, ये दर्शाता है कि आप सब मिलकर पूरी मेहनत से, लगन के साथ राधौर विधानसभा की इस सीट को जीतने का काम किया। साथियों, आज मैं अखबार में देख रहा था, अमित शाह कल हरियाणा में आ गए, पत्रकार साथी बैठे हैं, अमित शाह ने बारी बारी बात करी कि परिवारवाद पीछे छोड़ा, परिवारवादी पार्टियों को पीछे छोड़ा। मैं इन साथियों से पूछना चाहता हूं, 90 उम्मीदवार है बीजेपी के, बता दो कोई किसान है, बता दो वो 90 उम्मीदवारों में कोई टीचर है, बता दो कोई कोई छात्र है, बताए कोई पूर्व कर्मचारी है, फौजी है। एक जननायक जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने दो दो प्रोफेसर को इस मैदान में उतारा, पानीपत से 100 के हमारे साथी जयदेव को उतारा, आज तेज बहादुर को करनाल से उतारा, और एक भी फौजी हो, कर्मचारी हो, हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा उनको वेतन का देने का काम। अमित शाह तो कल 3 सीटों पर आए, महम, लोहारू और कैथन, और तीनों कैंडिडेट ऐसे हैं जो पैसे में टिकट खरीद के लाए, और आप खुद देखो तीनों जगह ना मुख्यमंत्री आए ना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए, एक जना साथ था अनिल जैन। अब पूछने का काम करे कोई, अनिल जैन का साथ होने का उद्देश्य क्या था? इसका मतलब तो बीजेपी ने सरेआम मेहनती साथियों को साइड में छोड़कर पैसे वालों को टिकटें बेचने का काम किया। साथियों, बीजेपी के पैसे और मीडिया की ताकत के आगे नहीं लड़ा जा सकता। आपके पास तो एक चीज है जो बीजेपी के पास नहीं, वो है कार्यकर्ताओं की शक्ति, मैन पावर। आप तो कब अगले 11 दिन रात एक कर कर एक एक व्यक्ति तक संपर्क साधना, एक एक व्यक्ति को जोड़ना, एक एक व्यक्ति को चाबी के चुनाव चिन्ह से जोड़ने का काम करना। और ये विश्वास दिला देता हूं, अगर नॉर्थ हरियाणा में सबसे मजबूती से कोई विधानसभा की सीट हम जीतने का काम करेंगे तो उनमें से सबसे पहले राधौर विधानसभा की सीट। साथियों, 5 साल बीजेपी का शासन रह लिया, मैं तो आपसे पूछता हूं कि आवेद कदम को बंद कर पाए? जो इनके स्पीकर थे, जगाधरी से चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी अगर अवैध खनन का काम किसी ने चलाया तो उनने चलाया। आपके विधायक की तो सीट इसलिए बदली क्योंकि आरोप ही सिर्फ अवैध खनन। साथियों, ये कहते हैं कि हमारी सरकार ईमानदार सरकार, कभी ईमानदारी के लिए भी पैसा खर्चना पड़ता है। आज अखबार उठा लो, टीवी देख लो, एक ही ऐड चलती है ईमानदार सरकार। कभी चोर को चोर घूमते देखा है? चोर भी ईमानदार कहेगा अपने आप को। और ये वो चोर है जिनने माइनिंग के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, किलोमीटर स्कीम के अंदर 100 और 1,000 करोड़ का घोटाला किया, बिजली के मीटर स्कीम के जो बदले थे 100 करोड़ का घोटाला किया, SC ST बच्चों की छात्रवृत्ति के अंदर इन लोगों द्वारा 24 करोड़ रुपए 4 जिलों में खाया गया। आप खुद सोचो कि किस प्रकार की लूट मचाने का काम इन लोगों ने किया। और मेरी तो विनती प्रार्थना आप सबसे है कि आंखें खोल के, संभल के, सोच के आपने निर्णय लेना है। जिस तरीके से इन लोगों ने हमें बर्बाद किया है, खोखला किया, आज इनको जवाब वोट की ताकत से दो। साथियों, ईमानदार थे तो इनसे पूछने का काम करो कि 80 ST इलेक्ट्रिकल की जनरल सीटों पर हरियाणा के 2 बच्चे क्यों रहे, 78 बार के क्यों आए? कल अमित शाह कहता है कि खट्टर साहब ने ईमानदारी से नौकरी दी, ईमानदारी से तो नौकरी दी हरियाणा के बच्चों को, नहीं गुजरात के बच्चों। साथियों, उस 78 की लिस्ट में सबसे ज्यादा गुजराती है, कोई पटेल है, कोई चावेला है, कोई शाह है,
आज वो तो आपको बधाई दूंगा, आपने लड़ाई लड़ी एसटीओ इलेक्ट्रिकल वाले मुद्दे पर, और इस खट्टर सरकार को झुककर वो भर्ती कैंसिल करनी पड़ी। हरियाणा के बच्चों का अधिकार हमने बताया। साथियों, जब हम राजौर की बात करते हैं, ये सरकार बारी बारी कहती है कि हमने मेडिकल फैसिलिटीज सुधारी, हमारे यहां पर 50 बेड का अस्पताल बना है, क्या आज तक कोई डॉक्टर की नियुक्ति हुई है? हमारे यहां एक वीर योद्धा शहीद हुआ था, उसके नाम पर बड़ा पार्क बनाने का, करोड़ों रुपए खर्च करके पार्क बनाने की बात थी, कोई एक आज तक पत्थर लगाया? आप तो यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के बीच में बैठे हो, आज मुझे बताओ कि क्या बच्चों के पास आज के दिन भी कॉलेज जाने की व्यवस्था के लिए कोई फैसिलिटी स्पेशल चलाई? अपनी बसों में ट्रक के जाते हैं। साथियों, 5 साल के अंदर 1 लाख खट्टर साहब ने किया है, वो हमें आपसी में बांटने का, हमारे बीच में दरार पैदा कर दी। अमित शाह जी कह रहे थे कि हमें 5 साल हरियाणा दिया, हमने देखो हरियाणा का क्या किया। बात ठीक बताई, क्या किया? 4 बार तो प्रदेश में आग लगा दी, 80-90 लोगों को सरकारी गोली से मार दिया, 28% बेरोजगारी बना दी, हर रोज 1 मर्डर 3 रेप 4 डकैती होते हैं प्रदेश के अंदर। आज के दिन किसान की आय दुगनी करने का सबसे बड़ा मुद्दा था। मैं जब हेलीकॉप्टर से आया, मैंने आपकी मंडी देखी, जीरी किस तरीके से पड़ी, और आज के दिन भी जीरी की पूरी तौर पर प्रदेश सरकार देनी शुरू की, किसान के गले को पूरी तौर पर दबाने का काम कर रहे हैं। आय दुगनी हो ना हो, इन लोगों से पूछने का काम करो कि किसान की आय तो 5 साल में आप दुगनी नहीं कर पाए, मगर कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की आय 5 साल में 5 गुना होगी, इसका फॉर्मूला तो बताने का काम। इनके वित्त मंत्री की इनकम 2.5 से 3 गुना हो, इनके विधायक कोई ऐसा नहीं है जिसकी 5 साल में आय दुगनी से ऊपर ना हो। साथियों, पूछने का काम तो करो बीजेपी वालों से, पैसा आया तो आया कहां से? दिन प्रतिदिन इस प्रदेश को खोखला करा जा रहा है। साथियों, आज हम देश के अंदर 4th नंबर पर क्रिमिनल स्टेट के तौर पर गिने जाते हैं, बेरोजगारी के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी प्रदेश में है तो हरियाणा प्रदेश में, मगर इन सब चीजों के विरुद्ध हमें लड़ाई लड़ती। आज इनकी टीवी की और पैसे की ताकत के आगे आप नहीं लड़ पाओगे। अगर लड़ना है साथियों तो फील्ड में उतरकर अगले 11 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, कमर कसकर एक एक साथी को जोड़ना पड़ेगा, और यह विश्वास मैं दिला देता हूं कि जिस दिन आपने फील्ड में मेहनत करनी शुरू कर दी, आप